सर, जो आज आपसे चीजें कुछ समझ नहीं है वो बेसिकली भारत और चाइना के हवाले से जो इवॉल्विंग रिलेशनशिप है उसको समझना है। सर, हमें अगर एक जनरल ओवरव्यू अगर आप पिक्चर दें कि एक तरफ तो बड़ा अच्छा चल रहा है कि 100 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो गई है, बल्कि क्रॉस कर गई है शायद थोड़ी सी, लेकिन दूसरी तरफ जो कॉम्पिटिशन है वो भी चल रहा है। एक तरफ आप S-400 ले रहे हैं, रिसेंटली जब प्रेसिडेंट पुटिन आए तो 2+2 भी हुआ, तो उसमें ये भी कहा गया कि जो राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये जो हमारे लोकल मीडिया में आया थी कि जो इंडिया ने रिक्वेस्ट की है रशिया से कि हमारे चाइना से नॉर्मलाइज कराई जाए चीजें या थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया जाए, तो सर आप क्या समझते हैं कि बायलैटरल मामलात इतने खराब हैं भारत और चाइना के एक थर्ड पार्टी की जरूरत है, या आप हाउ डू यू एनालाइज दिस ओवरऑल इवॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन जिसमें इकोनॉमिकली चीजें ठीक चल रही हैं लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें मामलात हैं बॉर्डर के ऊपर और ओवरऑल जो एक इन्वायरमेंट है उसमें खिंचाव है अभी, आप इस सबको कैसे देखते हैं सर? पहली बात तो ये इंडिया चाइना रिलेशंस एक बहुत ही कैसे कहूँ, एक सेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है। एक तरफ तो हमारा कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है कई चीजों में, क्योंकि अगर आप देखें जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उसमें इंडिया चाइना का जो मुद्दा है वो एक रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है वहां पर, और क्योंकि हमारे एम्स एक है, कन्वर्जेंस है, कॉन्ग्रेंस हमारे एम्स में। लार्ज पॉपुलेशन है दोनों, लार्ज कंट्रीज हैं दोनों, और लेट स्टार्टर्स हैं दोनों, मतलब लाइक पाकिस्तान आल्सो वी आर एक्चुअली बॉर्न टुगेदर 47 48 49, तो एक साथ हमने अपना जन्म लिया एज अ नेशन स्टेट। और दूसरी तरफ आप देखिए सेट ऑफ कंट्रीज से कहता हूं कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, एंड दूसरी तरफ है कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, राइट? सो कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है डेफिनेटली, और कंपटीशन भी है, हर एक चीज में कंपटीशन है दोनों देशों के बीच में। तो दिस इज सेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने मैनेज करी है दोनों देशों ने, इंडिया चाइना ने बहुत अच्छी तरह मैनेज करी है, बारिंग अ फ्यू इंस्टेंसेस। एंड बट 2020 से इक्वेशंस चेंज हो गई है, ठीक है, 62 के बाद फिर 88 से शुरू हुआ जब राजीव गांधी ने विजिट किया, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिट किया बीजिंग को, उसके बाद ठीक चलता रहा काम, और 2020 में जाके हमारे इक्वेशंस बदली हो गई हैं, जैसे हम कहते हैं और चाइना चाइना भी कहता है कि द डिस्प्यूट्स डिफरेंसेस शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट्स, बट कहना आसान है। द फैक्ट इज दैट द चाइनीज द पीएलए विच इज द ऑर्गन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज स्टैंडिंग ऑन आर यू नो ऑन आर बॉर्डर्स ऑन आर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, और एक स्टैंड ऑफ चल रहा है वो 50 to 60,000 ट्रूप्स डिप्लॉयड अदर साइड, तो और ये चल रहा है उसको अपन 20-21 महीने हो गए हैं अभी, तो वो कहीं नहीं जाने वाला, और वो जो है एक अनसर्टेनिटीज रिलेशन में क्रिएट करता है जो कर चुका है ऑलरेडी, और इस ट्रस्ट डेफिसिट को बहुत टाइम लगेगा इसको वापस लाते हुए। फॉर्चुनेटली जो जून 2020 में हुआ जब गलवान में इंसिडेंट हुआ उसका कोई एस्केलेशन नहीं हुई है, और फरवरी लास्ट ईयर हमने एक डिसएंगेजमेंट देखी, पहली बार डिसएंगेजमेंट देखी, 13 राउंड ऑफ टॉक्स जो थे वो थोड़े बहुत, मैं कहूँगा थोड़े बहुत ही काफी जो उस उम्मीद थी नहीं गए वैसे, और उसमें हमने एक बड़ा कंडेंसेंडिंग से एटीट्यूड देखा चाइना का, जहाँ पर उन्होंने हमको बोला कि हमने सब कुछ आपके लिए कर लिया, आप हमारे लिए फिर भी मेहरबान नहीं है टाइप, मतलब जो उनके कहने का मतलब था, ये एग्जैक्ट वर्ड्स अभी नहीं बता रहा आपको। तो लेकिन उसके बाद 14th राउंड ऑफ टॉक्स अभी 12 जनवरी को शुरू होते हैं, तो देखते हैं क्या होता है जब चाइना से डील करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत लंबी लंबी वार्तालाप चलती हैं, गुफ्तगू चलती रहती हैं, वो डिसीजन हमारे में मिलिट्री है सिविल के नीचे आती है, मतलब सिविल ओवर रूल्स आर सिनेनी के नॉट ओवर रूल्स बट दे ले डाउन द पैरामीटर्स, पॉलिटिकल पैरामीटर्स है हमारे पास, और लेकिन हम जाते हैं, हमारा एक मैंडेट होता है, हमारी लाइंस होती हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन जब पीएलए आती है तो वो जो है ना एक देयर अ कम्युनिस्ट इथॉस है उसमें, वो हमेशा अप्रिहेंशन रहती है कि मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, दे ओवर लुकिंग द शोल्डर्स टू द कमिसार्स द कम्युनिस्ट पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, तो वो 15 15 16 16 घंटे बात चलेगी, एंड में हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने बोला क्या है, करना क्या है, आगे क्या करना है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल मतलब कोई मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है उसमें। हम बैठ के खाना भी खाते हैं साथ में, ड्रिंक्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लंबी लंबी चलती हैं बातें, एंड में कभी कोई रिजल्ट आता है कभी कभी नहीं आता, इट्स अ लॉन्ग हॉल। एंड अभी देखिए बॉर्डर में बड़े हार्डन से स्टैंड है हमारे,
उनके भी हमारे हमारा एक सिंपल सा स्टैंड है जिसको हम कहते हैं कि स्टेटस क्वो एंटे, आप जो अप्रैल 2020 में पोजीशन से आप वापस चले जाए, और दैट इज आवर स्टैंड। और साथ में मतलब हमारी फिलॉसफी है नो ब्लिंकिंग नो ब्रिंकमैनशिप, वी विल नॉट ब्लिंक, सवाल नहीं पैदा होता जी, और ब्रिंकमैनशिप भी नहीं कर रहे हम बिल्कुल भी। देखिए और चाइना जो है उसने भी समझ लिया है, मैं समझता हूँ जो जो रिलेशन है हमारे जो एलएसी पे हो रहा है दैट विल डिक्टेट इंडिया चाइना रिलेशन, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पॉलिटिकली इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड नो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो है हमारी, इतना पॉलिटिकल कैपिटल किसी के पास नहीं, मिस्टर मोदी का इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो इसको नजरअंदाज कर दें, इसको नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता है। और हमारे जो रिलेशन हैं वो एलएसी भी जो हो रहा है वो डिक्टेट करेंगे, मेरे ख्याल से ये चाइना समझता नहीं है, हम भी चाइनीज से समझते हैं, हम भी चाइनीज, वी डोंट अंडरस्टैंड चाइनीज पीपल, चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज इंटेंस आल्सो फॉर दैट मैटर, एंड बट नाइदर डज चाइना अंडरस्टैंड इंडिया। अगर हमारे पे हमसे कुछ चाहिए था उनको तो तरीका उन्होंने गलत अपनाया है, मेथडोलॉजी जो है उनकी जो मिलिट्री क्वेश्चन की जो उन्होंने बाकी कंट्रीज से करी है वही हमारे साथ कर रहे हैं, जो फिलीपींस में करा उन्होंने, जो वियतनाम में करा, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ चाइना सी में, वो इंडिया के साथ करा, बट इंडिया इज अ much larger country, it's a very 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 large country, and today we have our stakes as a global leader. Sir, just sir, इसमें जो मैं important, आपने बिल्कुल सही बातें की हैं कि talks करना बड़ा important है, India is a very important country in Indian Ocean and in the region, or the way international community is banking on India, this is really marvelous thinking from Indian perspective. लेकिन जैसे मैं बात पूछना चाहता हूँ कि इन जो चाइना और इंडिया व्हाई दे आर रिलाइंग ऑन मिलिट्री डिप्लोमेसी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये क्वेश्चन आ रहा है और ये बात हो रही है कि ये जी 14th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स होगा, ठीक है जी, और ये 12 जनवरी को हो रहा है, तो फॉरेन ऑफिस या डिप्लोमेट्स या पॉलिटिकल लोग जो वो क्यों बात नहीं कर रहे और मिलिट्री डिप्लोमेसी क्यों है? सो इट मींस कि बॉर्डर पे चीजें सेटल नहीं हो पा रही, दैट इज व्हाई जब तक वो चीजें सेटल नहीं होंगी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकली हम एंगेज, इंडिया और चाइना एंगेज नहीं कर रहे। सो जितना ये लंबा टॉक्स हो रही हैं, और जिस तरह आपने कहा कि बड़ा कंबरसम प्रोसीजर होता है उनको समझना, उनकी लिमिटेशंस भी होती हैं, वो उस तरह ओपनली वो बात नहीं करते जिस तरह इंडियंस मैंडेट लेके जाते हैं, दिस इज व्हाट यू वर सेइंग। सो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी क्यों है एंड व्हाई नॉट diplomats and politicians are not sitting, मतलब it's more than a डेढ़ साल हो गया इस सारे process को सर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे political level पे talks नहीं हुई हैं या diplomatic level talks नहीं हो रही हैं, और military level is the front actually, तो और क्योंकि हमने जो decide करना है कि line of actual control है, line of perceptions है, तो जो ultimate decision वहाँ होगा। लेकिन अगर आप देखें political levels पे भी talk हुई है between the रक्षा मंत्री, between the फॉरन मिनिस्टर्स, ये अभी नहीं मतलब दो दो तीन तीन राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, और जो डिप्लोमेटिक लेवल्स पे जो है हमारी WMCC है, जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है, और वो लाइंस ओपन है, और साथ में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लाइंस भी ओपन है, 22 राउंड ऑफ टॉक्स हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। जो स्पेशल उनका थोड़ा सा एजेंडा अलग रहता है, उनका एजेंडा है बॉर्डर क्वेश्चन को रिजॉल्व करना, लेकिन उसमें बाकी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जो WMCC है वहां पर ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक लेवल पे डिसाइड हुआ कि टॉक्स कब होंगी कहाँ होंगी, तो ऑल्टरनेट टॉक्स होती हैं संदों में जो है वो वर्ल्डो में, तो वहां पर ऑल्टरनेट टॉक्स समुद्र में, तो ऑल्टरनेट लेवल टॉक्स होती हैं। तो जो मिलिट्री लेवल टॉक्स मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि दूसरे लेवल के टॉक्स नहीं हो रहे हैं। जो रेजोल्यूशन है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वो तो मिलिट्री लेवल पे ही होगी, क्योंकि जो डिटेल्स जाएंगी वहां पर, जैसे पहले पेंगोंग सो में देखा या गलवान में देखा, अगर हम नेक्स्ट सोवे लेते हैं जैसे हॉटस्ट्रिंग या बोगरा लेते हैं, जो निटिग्रिटीज हैं और एक्चुअल जो ग्राउंड पोजिशन है वो तो मिलिट्री लेवल पे डिस्कस होगी। तो हमारे यहाँ जो मिलिट्री है वो एक मैंडेट लेके चलती है, जो हमें पॉलिटिकल मैंडेट और सिविल मैंडेट मिलता है, और हम उस पर काम कर रहे हैं, और जो है तीनों लेवल पे टॉक्स चल रही हैं, एंड दिस सिचुएशन इज सच दैट इट इज ऑल्सो गॉट लिंकेजेस ऑल अदर थिंग्स एक्चुअली, इकोनॉमिक, कॉमर्स एंड पीपल टू रिलेशंस ऑल्सो इफ यू फाइंड, तो काफी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है सर, एक बात, जब प्रेसिडेंट रशियन प्रेसिडेंट पुटिन आए थे इंडिया में तो 2+2 भी हुआ और सारा कुछ हुआ, तो उस वक्त ये बात चली थी कि राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है कि चाइनीज इन रशियन जो है हमारी मदद करे इन मेकिंग चाइनीज अंडरस्टैंड और कोई ब्रेक थ्रू कराने में। अभी फिर ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और ये पता चल रहा है कि इंडियन जो अथॉरिटीज हैं वो ये कह रही हैं कि हम थर्ड पार्टी मीडिएशन को के अगेंस्ट हैं,
और पॉलिटिकल और मिलिट्री, और ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री जो है वो अलर्ट पे एंड ऑल दैट। सो ये क्या चेंज ऑफ माइंड है, या आप समझते हैं कि रशियंस की उतनी से नहीं है चाइनीज के ऊपर? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने एक अपना पॉलिटिकल कैपिटल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कैपिटल रशिया के ऊपर लगाया है इन बाइंग S-400 एंड इन बाइंग अदर मिलिट्री टेक्नोलॉजी। अगर आप पिछले 35-40 साल पे चले जाए तो सबसे ज्यादा जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो रशिया से इंडिया ने खरीदी है। तो क्या वो जो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी पुतिन के ऊपर या रशिया के ऊपर के जी, वो इसलिए भी की जा रही थी शायद वन ऑफ द थिंग्स कि अगर ये मौका मिले कि चाइना और इंडिया के मामलात खराब हो तो रशिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप क्या समझते हैं, आपका तजर्बा क्या बताता है कि पहले कह रहे थे हम उनकी मदद लेते हैं रशियंस की, अभी कह रहे हैं कि नहीं हम मीडिएशन के खिलाफ हैं? क्योंकि 2+2 में राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था, लेकिन अभी ये बैक ट्रैक कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, या कि आप समझते हैं कि मिलिट्री की तरफ से एक प्रेशर आया है कि नहीं वी डोंट वांट अ मीडिएशन और हम खुद इसको सेटल करेंगे? व्हाट इज योर असेसमेंट ऑन दिस सर? देखिए, ये थोड़ा सा अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखें, देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिस्पांस, आई विल नॉट से दैट मीडिया इज नॉट रिस्पांसिबल, बट मीडिया कंजक्शन करता है, यू नो, कैसे वो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही है, सिलेक्टिव क्या हो रहा है। तो मैं इसमें जाऊंगा, मैं सीधा सा फौजी आदमी, आई शूट स्ट्रेट, एब्सोल्युटली इंडिया डज नॉट बिलीव इन थर्ड पार्टी मीडिएशन, दैट्स अ अंडरलाइंग फैक्ट, राइट। लेकिन ये नहीं है कि एक ये यू नो पत्थर की लकीर बना दी हमने कि नहीं होगा। अगर इफ अ थर्ड पार्टी would resolve certain issues between the two, and why not? We have पहले भी तो कर रखा है third party. अगर आप देखें ताशकंद जो declaration थी, agreement थी, वो ताशकंद में हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। It's not that पहले नहीं हुआ है, पहले भी रशिया ने किया है, एंड रशिया तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है ही। 65% ऑफ इक्विपमेंट जो है वो सोवियत ओरिजिन है, रशियन ओरिजिन है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और वी आर बाइंग S-400, दैट इज आवर, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी है, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी करे कि आप रशिया से डील नहीं करेंगे, रशिया से हथियार नहीं लेंगे, रशिया से ये नहीं करेंगे। वी आर नॉट अ कंट्री विच इज गोइंग टू गो आइदर वे, काटसा है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वी हैव टेकन अ वेरी कंसिडर्ड डिसीजन कि हम जो है, रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, यूएसए हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बट स्ट्रेटेजिक पार्टनर 38 नेशंस इंक्लूडिंग चाइना फॉर दैट मैटर। तो वी हैव आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, वी विल डील विद दैट। As for the question of 2+2 dialogue जो हुआ रशिया के साथ, I think it was a very, very fruitful dialogue. President Putin की visit was a very beneficial, fruitful visit for India-China relations. Because देखिए, हर एक जगह से थोड़ा सा सोच रहे थे ये flounder करें India-China relations, because India is going too much into the US camp. I don't think it is so. अगर आप देखें ground पे देखें, we are looking after our interest in every nation, whether it is Russia हो, USA हो, China हो, Pakistan हो, India हो, हर nation अपने interest देखेगा। जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट होंगे मैं उसको फर्दर करूंगा, उसको प्रोटेक्ट करूंगा, उसको प्रोजेक्ट करूंगा। अगर मुझे उसमें फायदा है तो भी मैं करूंगा, मुझे फायदा नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। तो इसमें किसी को मुझे कोई शक नहीं है कि रशिया इंडिया के लिए कुछ नहीं करेगा, चाइना के लिए कुछ नहीं करेगा, बट अगर उसमें रशिया का भी फायदा है उसमें, इफ फ्रॉम अ यू नो इफ इंडिया चाइना रिलेशन इंप्रूव एंड रशिया इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट, वर्ल्ड विल बेनिफिट, व्हाई ओनली रशिया? आई थिंक इफ इंडियन चाइना रिलेशन द रीजन विल बेनिफिट, दैट्स व्हाट आई थिंक यू बीन ऑल्सो सेइंग, इट इज गुड फॉर द रीजन। ये आपने बोला है, मतलब मैंने जो ये समझ आया, तो ये सभी बोलते हैं कि रीजन के लिए अच्छा है। मतलब देखिए, अ स्टेबल रीजन इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन, तो देयर इज अ अंडरलाइंग फिलॉसफी इन दैट। तो मैं नहीं सोचता कि अभी जो इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है होगा नहीं होगा। आई थिंक लेट अस वेट फॉर द 12th राउंड ऑफ टॉक्स एंड देन सी वेयर इट, 14th राउंड ऑफ टॉक्स एंड देन सी वेयर इट गोस। ऑल्सो आई फील सर्टन दैट चाइना के साथ गेम ऑफ पेशेंस होती है। जब भी आप देखें, एक बड़ी लंबी गेम चलती है, गेम ऑफ पेशेंस होती है, आप चलते रहिए, बात करते रहिए, एंड एज लॉन्ग एज देयर इज नो एस्केलेशन ऑन द ग्राउंड, आई थिंक वी शुड टेक दैट एज अ पॉजिटिव कि एस्केलेशन तो नहीं है, एंड द विल टू रिजॉल्व द इशू थ्रू पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री डायलॉग, दैट इज अ विल फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन कहना कि ये इतनी आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा, मैं नहीं समझता आसानी से रिजॉल्व होगा। इसमें काफी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बड़े हार्डन पोजीशन दोनों साइड में, और ये रहेंगी और ये लंबा चलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इंडिया के अंदर एक ग्रुप ऑफ या एक सेक्शन ऑफ जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, उनका ख्याल ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो चाइनीज ऑफेंसिव को डाउनप्ले करते हैं।
मिसाल के तौर पे जब चाइनीज जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी उनके लोग भारत में एंटर हुए, गलवान की बात कर रहा हूँ, एलएसी की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे उन्होंने चाइनीज इंडियन फौजियों को मारा, फिर कुछ को किडनैप करके ले गए, तो नरेंद्र मोदी साहब ने आके टीवी पे कहा कि चाइनीज तो कभी हमारे बॉर्डर में एंटर ही नहीं हुए, उन्होंने तो कभी एंट्री की नहीं है। तो दैट वॉज मैसेज टू चाइना के वट एवर ऑफेंसिव द चाइनीज विल डू, इंडियंस वोंट रिस्पॉन्ड, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो दे विल प्ले टू द गैलरी, बट वो जो है लेकिन लोकली वो कुछ नहीं करेंगे। सो दिस इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द चाइनीज के चाइनीज जो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बड़ी दे वांट टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट और दे वांट टू अवॉइड समथिंग विद द चाइनीज, हाउ फार द इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट इवन स्ट्रेटजिक थिंकर्स लाइक यू सी दिस अप्रोच बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप एज ए डिफेंसिव मूव अगेंस्ट चाइना? ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बोला, नो ब्लिंकिंग नो ब्रिंकमैनशिप। ठीक है, हम ब्रिंकमैनशिप में नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी, एंड नो ब्लिंकिंग ऑल्सो। हमने एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑलरेडी सिग्नल कर दिया चाइना को, जब हमने कैलाश रिज लास्ट ईयर 2020 ऑक्यूपाई करी, उससे चाइना को पता लग गया कि हमारे हम कर सकते हैं, हमारी क्षमता है करने की, हम काबिलियत है हमारे करने की, हम कर सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट बिलीव इन ब्रिंकमैनशिप बिकॉज देयर इज द इशू विच यू वांट टू रिजॉल्व। जहां तक गलवान की बात है, मैं ये भी समझता हूँ कि गलवान में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी, एंड पीएलए ने जो किया नहीं करना चाहिए था, दे शुड नॉट अटैक उन्होंने शुरू की, लेकिन हमारी जो रिएक्शन थी वहां पर, जो रिटेलिएशन थी वो काफी हद तक बहुत इफेक्टिव थी। चाइना बोलती है इनके चार बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा, मैं बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा, एक दो दस पंद्रह से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस शीट की बात कर रहा, लेकिन जो उनको कॉस्ट देनी पड़ी वो इतनी थी कि दोबारा से गलवान नहीं हुआ। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि चाइना ने वो जो प्रिमिटिव जो क्लब्स थे, स्पाइक क्लब्स से कार सिर्फ एक ही यूनिट को इशू करती थी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। मैं फौजी आदमी हूँ, हम जब जाते हैं एक थोड़ा सा यू नो एक यूनिट नहीं करती है, ये फॉर्मेशंस होती हैं, एक ऊपर से अंदेशा आता है, अपने आप को नहीं करता है, एक डिसिप्लिन्ड आर्मी जो है हमेशा हुक्म से काम करती है, और ये हुक्म काफी को मिला होगा क्योंकि हमने इतना अच्छा रिटेलिएट किया इंडियन आर्मी ने, सोचा कि ये नहीं चलेगा, इसलिए अगर आप देखें कि 15-16 जून के बाद वो दोबारा नहीं हुआ, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि दोबारा नहीं हुआ, तो ये हमें सोच के चलना पड़ेगा। जहां तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, उन्होंने बड़ा बॉर्डर नहीं बोला, उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल बोला। अब लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल जो है वो एक डिफाइंड लाइन नहीं है, देयर इज नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग द लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। ठीक है, परसेप्शंस है, एंड उसमें हमारी परसेप्शन एक लाइन पर है, उनकी परसेप्शन एक लाइन है, बीचे ग्रे जोन है, एक जिसको ग्रे जोन है जिसमें, तो उसमें अभी नहीं, हमेशा से चलता रहा। अगर आप देखें हमारे आप पार्लियामेंट क्वेश्चंस में भी देख लें जाके, तो हर साल 400 से 500 के बीच में ट्रांसग्रेशन होते हैं चाइना के, और चाइना बोलता है हमको हम ट्रांसग्रेस करते हैं इतने लगभग इतने, तो ये कोई नई बात नहीं है। नई बात जो है वो अलग से नई बात है कि उन्होंने आके पहले आते थे पेट्रोलिंग करते थे चले जाते थे, हम जाते थे पेट्रोलिंग करते थे चले आते थे वापस, लेकिन चाइना ने क्या चेंज किया वहां पर आके, एक फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करी उन्होंने एलएसी के बीच में, ठीक है ना, एलएसी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करी, तो वो जो है वो एज पर द फाइव एग्रीमेंट्स जो है हमारे 93, 96, 2002, 2005 और 2013 के खिलाफ है कि फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट आप स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते, तो वो चाइना ने चेंज किया, इनिशिएटिव लिया और हमने उसका जवाब दिया है, तो दैट इज व्हाट इट हैज हैपेंड। तो इसमें कोई वो नहीं है, वी हैव वी आर अ मैच्योर नेशन, हम तो बड़े ओल्ड सिविलाइजेशन है, वी वांट टू रिजॉल्व क्वेश्चंस, और वी वांट यू नो वी हैव टू लुक आफ्टर द वेलबींग ऑफ पीपल, हमने तो आगे बढ़ना है, हमने तरक्की करनी है, अगर हम लड़ते रहेंगे तरक्की कैसे करेंगे, एक तरफ चाइना है एक तरफ पाकिस्तान है, फिर हम टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, तो ये तो मतलब किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। टुडे नो ऑल थ्री आर न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस, लेट्स फेस फैक्ट्स, एंड कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट गुड फॉर एनी नेशन फॉर दैट मैटर, नॉट रीजन, तीनों नेशन छोड़कर रीजन के लिए वर्ल्ड के भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, अभी कहीं भी कंफ्लिक्ट होगी तो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं कहीं ना कहीं से। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और सवाल छोटा सा आपसे करना चाहता हूँ कि ये बात की जा रही है कि जो इंडिया का मैरिटाइम बैकयार्ड है, इसमें चाइनीज आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी रिसोर्सेज, श्रीलंका, मालदीव्स, अफ्रीका में चले जाएं, तो अभी रिसेंटली मैं देख रहा कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है, ही इज विजिटिंग कॉमरोस और कीनी, और इस जगह में भी वो अफ्रीका में भी अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इधर भी वो बिल्कुल कर रहे हैं। सर, डू यू थिंक ये जो इतना ज्यादा अमेरिकन की भी प्रेजेंस, इंडियन प्रेजेंस, चाइनीज प्रेजेंस, डू यू स्केल समवेयर अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट समवेयर इन इंडियन ओशन, की कोई पॉसिबिलिटी है, कोई मिसकैलकुलेशन, या इस तरह की जो अगर लेट्स से एक सिनेरियो डेवलप होता है, तो
तो वेयर विल इंडिया स्टैंड, बिकॉज इन इन जो थी वो क्वाड था, इंडिया बैकट्रैक टू मेक इट अ मिलिट्री इसके वो कंपोनेंट बनाने में. सो वेयर डज इंडिया स्टैंड इन केस देयर इज अ लिमिटेड स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन ओशन? तो वेयर वुड इंडिया स्टैंड? इंडिया इसको यूनिलैटरली रिस्पॉन्ड करना चाहेगा, या आप समझते हैं कि कॉम्पिटिशन चलेगा लेकिन कोई मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की कोई इस तरह की, खासकर इंडियन ओशन में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है इंडियन मैरिटाइम बैकयार्ड में, उसमें आप समझते हैं कि इस तरह की वो चीज नहीं होने वाली? ठीक है, इंडियन ओशन रीजन बहुत कॉम्प्लेक्स सा बन गया है अभी. पहले सिर्फ यूएस डोमिनेशन था, फिर चाइनीज आ गए. एट एनी वन टाइम देयर वर 150 टू 175 इवन अप टू 200 वॉरशिप्स इन इंडियन ओशन. नंबर ऑफ बेसिस देखिए, यूएसए के कितने हैं, चाइना के बेसिस कितने हैं, और इंडिया डायरेक्टली कंसर्नड है बिकॉज वी आर अ पेनिनसुलर नेशन, वी गॉट अ 7516 किलोमीटर लॉन्ग लाइन. और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज हैं, स्ट्रेटेजिक कंसर्न हैं, वो सेवन चोक पॉइंट्स होंगे. ठीक है, तो आपने बिल्कुल ठीक एंटीसिपेट किया, ठीक बोला आपने कि इंडियन ओशन रीजन इज अ राइट रेसिपी फॉर अ स्पाइरल, आई वोंट से कॉन्फ्लिक्ट. हो सकता है गलती से, जैसे आपने बोला कि इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ मल्टीपल मल्टीनेशनल फोर्सेज हैं, वहाँ पर इतने सारे फोर्सेज आ गए, वहाँ पर अपने अपने वो हैं, और कहीं भी कुछ हो सकता है. बट द फैक्ट रिमेन्स दैट बिकॉज ऑफ टुडे द कम्युनिकेशन सिस्टम इज सो गुड, एवरीथिंग इज सो गुड, कि उसके चांसेस कम होते जा रहे हैं. बट कन्फ्लिक्ट अगर होगी और इंडियन ओशन रीजन में, तो इंडिया हैज द कैपेबिलिटी टू लुक आफ्टर ओन इंटरेस्ट. आई विल एंड आउट देयर कि हमारी अब कैपेबिलिटी है अपने ओन इंटरेस्ट देखने के लिए, और हमारे इंटरेस्ट इंडियन ओशन में है. इंडियन ओशन इज नॉट अ, मतलब इट्स नेम इज इंडियन ओशन, बट वी आर डायरेक्टली वी हैव टू डोमिनेट द इंडियन ओशन फॉर आवर ओन सिक्योरिटी इश्यूज, हमारे कमर्शियल, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज है. वैसे चाइना के भी है, तो चाइना की जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज हैं, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं, वहां से हैं. और चाइना का नेशनल लेन देखिए, जो उन्होंने 10 नेशनल लेन अपने प्रिस्क्राइब कर रखी, उनके बीआरआई इज अ नेशनल लेन फॉर देम, इट्स अ नेशनल इंटरेस्ट, बीआरआई इज वन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट. और जो बीआरआई के लिए वो कर रहे हैं, दे हैव गॉट द मनी स्टोर टू इट, एंड दे फॉलो द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ यू नो, आप डेट ट्रैप है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी और मिलिट्री क्वेश्चन है. आप नहीं मानेंगे तो हम आपको मना लेंगे, हम आपको पैसा देंगे, नहीं मानेंगे तो हमको डिप्लोमेसी से मना, नहीं मानेंगे तो मिलिट्री तो है ही हमारे पास. तो अगर आप किसी भी देश में देखें, ये उनका जो डेट ट्रैप है, इट्स अ वेरी डेंजरस वन. अगर श्रीलंका में आप देखें क्या हो रहा है, या मॉल्टीव में क्या हो रहा है, और मैं सोचता हूँ सीपीईसी आल्सो इन अ वे, इफ यू लुक एट सीपीईसी, जो बेनिफिट्स जो अक्रू करने थे पाकिस्तान को, वो पूरे बेनिफिट्स अक्रू नहीं हो रहे हैं. दैट्स माई रीडिंग, दैट्स वॉट आई रीड एंड माई दिस थिंग. ऑफ कोर्स यू वुड नो बेटर इन दैट बिकॉज यू आर डायरेक्टली कंसर्नड अबाउट दैट. इट इज नॉट द सीपीईसी गुड फॉर पाकिस्तान, नॉट सेइंग पाकिस्तान गुड फॉर दैट, बट जो जो एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स थे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे, वो अभी अक्रू हुए या नहीं हुए, आई हैव माई डाउट्स ऑन दैट. बिकॉज चाइना विल लुक आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट, दे विल ब्रिंग इन ओन कंपनीज, दे ओन लेबर, दे ओन फोर्सेज, एंड दे हैव सरप्लस मनी. सो वॉट डू दे डू विद दैट? दे हैव टू, चाइना हैज टू डोमिनेट द वर्ल्ड. चाइना लुकिंग एट, यू नो, हम बात करते हैं सॉफ्ट पावर की, हम बात करते हैं हार्ड पावर की, हम बात करते हैं स्मार्ट पावर की. चाइना बिलीव इन शार्प पावर, है ना? आइदर यू आर विद चाइना और यू आर अगेंस्ट चाइना. अगर इंडिया ने बीआरआई में साथ नहीं दिया उनका, हमने साथ तो छोड़ा, वी आर द ओनली कंट्री विच अपोज बीआरआई ओपनली. ठीक है, तो वी हैव बिकम एडवर्सरी. हमारे रिलेशन ठीक चल रहे थे तब तक, तो ये तो शार्प पावर है चाइना की, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट चाइना इज ऑल अबाउट. And in the years to come, I think it is how the world deals with China will dictate the world order, will dictate peace, progress, and prosperity in the world order. That's my view. Sir, एक छोटा सा आखिरी सवाल है, और वो ये है, that is about the Indian military modernization. जितना ज़्यादा पैसा Indian military modernization पे लगा रहा है, फिर भी they can't compete Chinese. तो जैसे for example ये कहा जा रहा है कि जो China और India की जो war होनी है, चाइनीज साइड ने तो रिपोर्ट्स ने लड़नी है, वो अगर वो गलवान पे, एलएसी पे, कहीं पे भी होती है. सो हाउ डज इंडिया फाइंड दिस, कि क्या कोई रोबोटिक्स वॉर होगी, ये क्या मतलब, व्हाट विल बी अ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन एलएसी अगर होता है? या जो आप समझते हैं कि जब तक इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन या प्रॉपर एक अपनी फोर्स जो मल्टीप्लाई करना होता है, या अपना वो सारे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर और बहुत कुछ है, तो जब तक इंडिया वो नहीं कर लेता, तब तक इंडिया विल नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना? या आप समझते हैं कि हम आप बिल्ड करेंगे और फिर एक वक्त आएगा तो कि आप किसी कन्फ्रंटेशन का हिस्सा बनेंगे? हाउ डू यू सी दिस सर?
इंडिया हैज नो रीजन नो कॉज फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना हैज नो कॉज फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया एक्सेप्ट फॉर अ बॉर्डर व्हिच इज अनसेटल्ड On that unsettled border after 62, we not fought a war. There was no conflict. There was no shot in anger fired after 24th October 1975. So it is managed. अगर आप सोचते हैं कि we can compete with China in the defense budget, सवाल ही नहीं पैदा होता जी. $247 billion है उनका defense budget. हम compete कर ही नहीं सकते इनके साथ. लेकिन जो उनका defense budget है, he has got 27 neighbors. We got 7 neighbors. तो ये नहीं है कि इंडिया जो है चाइना का पूरा डिफेंस जो है वो इंडिया के लिए है. चाइना के आप देखिए 5 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो है, फ्लैश पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वर्ल्ड की, ऑल ओवर चाइना कनेक्ट. ताइवान है नंबर 1, साउथ चाइना सी है, ईस्ट सी है, कोरिया है, इंडिया है, मेकोंग इश्यू है. तो इट इज नॉट दैट चाइना का जो पूरा $247 billion का बजट है वो इंडिया के अगेंस्ट आ रहा है. ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट दे विल यूटिलाइज ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम, बट वी कैन नॉट कंपीट विद चाइना इन स्पेंडिंग सो मच मनी. मतलब वी आर अ ग्रोइंग नेशन, वी हैव टू लुक आफ्टर आवर पॉपुलेशन. कंपीटिंग प्रायोरिटीज हमारा बजट तो डिस्पाइट व्हाट चाइना हैज डन ऑन द एलएसी, आप मानेंगे हमारा जो डिफेंस बजट है परसेंटेज जीडीपी इज वन ऑफ द लोएस्ट. तो इट इज वन ऑफ द लोएस्ट. हम वी कैन टॉक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बट हमारे तो काफी सारे यू नो व्हेन यू टॉक ऑफ नेशनल पावर एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, मिलिट्री ओनली वन एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, देयर आर सो मेनी अदर एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर. सो वी विल हैव टू लुक एट चाइना एज अ होल, नॉट एज मिलिट्री टू मिलिट्री. हमको कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, हमने कोई 100 meter रेस नहीं भागनी उनके साथ. हम उनके पैसे तो हम स्पेंड नहीं कर सकते बिल्कुल भी. जो जहाँ तक अभी टेक्नोलॉजी की बात है, येस चाइना वॉन्ट्स टू फाइट वॉर, is preparing to fight a war in the information domain, network war. These are future wars. मतलब multi-domain warfare is the warfare of tomorrow. और अभी भी देखिए चाइना ने क्या किया पिछले एक हफ्ते में. 1 January को उसने गलवान का वीडियो निकाला. उसमें उनका एक एक्टर है, वो मतलब ही नॉन एक्टर, उसकी वाइफ है शैनवी, वो भी एक्टिंग कर रही है उसमें. मैंने हाई टू डे बड़ी नौकरी करी है. आप सब भी पहाड़ चढ़ते हैं, बिल्कुल पहाड़ों के पास ही रहते हैं, तो स्नो पीक्स देखते भी हैं आप, मौसम साफ है वहां पर. अगर आप वहां पर स्नो में आप 2 दिन में जाने, आप सनबर्न हो जाते हैं बिल्कुल. जो जाते हैं पहाड़ों में सनबर्न हो जाते हैं. और वहां पर ये चाइनीज सोल्जर चॉकलेट फेस बिल्कुल फटाफट बॉलीवुड स्टार से जैसे बने हुए हैं वहां पर. तो दिस इज पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन वॉर विच दे आर डूइंग. अभी जैसे उनकी वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड, अभी वो ट्विटर में आ गई है जैसे, तो उन्होंने वहां पर स्कीम निकाली है जी. हमने एक नोटिस पोस्ट करा है वेयर दे सेड हम गलवान में हैं और हमारे गलवान में हम 1 inch भी नहीं देंगे किसी को, और आप इस नोटिस को रीपोस्ट करेंगे तो हम 10 winners लाएंगे 1 February को, 10 winners देंगे और उनको हम गलवान से स्टोन लाके देंगे. तो ये तो चाइना की हालत आ गई है. दे आर एक्टिंग लाइक अ यू नो लाइक अ गुड कमर्शियल कंपनी इन मुंबई और गाजियाबाद और कराची फॉर दैट मैटर, कि आप ये कर दिए आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा. So we will have to understand that things are changing. It is not only the technological warfare, it is the information war, which is becoming very important. The information domain is becoming very important. And technologically, definitely China is ahead of us. There is no doubt about it. But on ground, jahan par matter karta hai, and that is not going to go away. Subset of any war, subset conventional war will remain a subset of wars. ठीक है, हम अपने territories defend करने की काबिलियत है हमारे यहाँ, पूरी काबिलियत हम कर रहे हैं. And that is where our strength lies.